जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। बेटे इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली दो फार्मूलाज यूज़ होंगे। पहला फार्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, जो का जिसका फार्मूला है 4πr². सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को यू कैन रिप्रेजेंट विद कैपिटल ए आल्सो। फार्मूला क्या है? 4πr². यहाँ पे जो स्मॉल आर है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेडियस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को। और बेटे पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 है, और 4 बेटे कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला यूज़ हो गया था इसमें, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज़ इसका फार्मूला क्या है? 4/3πr³। 4/3πr³ और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल वी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इन दोनों फार्मूलाज में 4 और 3 जो हैं ये तो कांस्टेंट्स हैं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है आपने, और आर से क्या मुराद है? रेडियस। जी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया बेटे आपने फाइंड आउट करना है, और रेडियस आपको दे दिया। रेडियस कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का आपने फार्मूला लगाना है 4πr². पाई की जगह पे वैल्यू पुट करें 22/7, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3.5 का स्क्वायर। मतलब आपने 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 12.25। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें 88 आ जाएगा। देन 88 को दोबारा मल्टीप्लाई कीजिए 12.25 से, तो 10.78। देन उसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बेटे जो एरियाज़ हैं इसमें यूनिट जो है वो डबल हो जाते हैं, और अगर वॉल्यूम हो तो उसमें यूनिट क्यूबिक फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशन है और ये 2 डायमेंशन बात होती है। 4πr², ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज याद कर लें, ये यूज़ होने हैं एक्सरसाइज 9.3 में, और इसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स इसी फार्मूले से सॉल्व होने हैं 4πr² से।